एक और ये सुपर चैट आई थी वेल रोज से। अब सॉरी वो ऊपर निकल गई है मगर मुझे दिख नहीं रही कहाँ गई। मगर थैंक यू सो मच वेल रोज फॉर योर सुपर स्टिकर। अच्छा शाहिद जी आए हैं जी। शाहिद जी क्या हाल है आपका? शायद जी का माइक जो है ना म्यूट है। माइक अनम्यूट हाँ करें जी। आवाज आ रही मेरी अब? हाँ जी अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक हो गया। और मिस अच्छा देख ले फिर एक आप। नहीं मैं ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान में बना रहे, पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है उस पर वो बंदे को पकड़ रहे हैं, वो जब पकड़ेंगे तो उनको सरेआम गोली मार दें, यही उससे सजा क्या तो होगा, यही होनी चाहिए। उससे होगा क्या, बंद हो वैसे जाएगा? शायद उससे साहब क्या क्या आप होगा? समझते हैं कि उससे गोली मारने से लोग ठीक हो जाएंगे? अब भाई पाकिस्तान में मेरे दोबारा गौरव कभी कुछ कुमार नहीं है। होगा। अब भाई भाई मेरे, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। जो बंदा गालियां दे ना, मैं उससे बात नहीं करता। बड़ी अच्छा माफ़ी मैंने के साथ। कौन सी गाली दी है भाई? मैंने कौन सी गाली दी है भाई? जी आपको ये चीज कैसे हो जाती है? मैं गाली देती हूँ ना, हारिस देता है ना गालिब देता है। इन लोगों के प्लेटफॉर्म में तो गालियां चलती ही नहीं है। मैं देती हूँ, आप हर किसी को आके कहते हो गाली दे रहे हैं। नहीं ये गलत बात है, झूठ मत बोला करो। आप झूठ बोल क्यों रहे हो। गालिब ने कोई गाली नहीं दी है। भाई, हम सच बोलते हैं, बड़े लोगों को सच गाली लगती है। शायद साहब शायद आपने सच सुन लिया होगा इसलिए आपको गाली लगी होगी। आपकी बात बोलते हो, हाँ कोई गाली नहीं दी है। मैं गालिब ने बात भी कहा करूं, अब है। क्या मिस बात कहाँ करें, चली सही गई है? बात करें ठीक है ना। झूठ नहीं बोले कि गालिब ने गाली दी है, क्योंकि इसने कोई गाली गाली नहीं दी है ना। वो अपने चैनल पे गाली देता है, मिस उनका चैनल। उसने अभी बैठे बैठे बगैरत 10 बारी 10 दफा कहा है। वो मेरे यहाँ पर आके बोला है यार ना। बगैरत जो है वो बगैरत जो है वो एक फेल के हिसाब से कहा गया है। जो लोग बगैरत हैं वो वो बगैरत ही है सारा, जिन्होंने लेकिन छेड़ा है। पूरे क्योंकि पाकिस्तान को किस हिसाब से गाली दे रहे हैं जनाबे माना? आप लोग अभी तक रोडों पर क्यों नहीं निकले कि आपके मुल्क में ये काम हो गया वो है? किस लिए रोड आप पर लोग निकले छत्ती भाई मेरे? आप हम लोग नहीं छत्ती निकले तो में छत्ती तुम। पी ओ के भाई सोए तुम हो। निकला हो ना रोड पर, तुम तो हाँ तो निकलो। मैं तो निकला हुआ हूँ ना, मैं तो निकला हुआ हूँ हाँ तो ना, निकले ठीक है। रहो। हाँ हाँ जी हाँ जी तो बात यह है कि आप लोग तो वन। चुप करके बैठे हैं ना। आप लोगों ने तो काम हो गया और हाँ उसके हमने बाद चुप जब करके ही वीडियो बैठना निकली, है। हाँ तो ओ और हमने क्या। चुप करके ही बैठना है, वीडियो निकली तो शायद फिर जी क्या हुआ? सारे आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, पाकिस्तान आपको और नहीं पूरी दुनिया में ये होता है। होता। छोड़ दें इस बात आपको को, पूरी दुनिया में नहीं होती है चीज। नहीं जो हरकत हुई है ना, ये पूरी होती दुनिया है में वो आपको नहीं यार। होती मुझे है। लगता नहीं है ये होनी चाचा आपको, खुद उधर आपको हाथ नजर उड़ाते आती है। हैं। मैं ये घरों मुझे में लगता है थोड़ी चाचा उन्हीं में है, ये चाचा उन्हीं में है भाई। ये मुझे लगता है ये चाचा उन्हीं में है। खाती यहाँ ये चाचा जो है ना ये वही हूँ। बनता है जो गौरव हाथ कुमार, उड़ाते हैं तुम्हारी हर इतनी वक्त हैसियत चाचा। नहीं जो मुझसे गुफ्तगु कर चार एक सको। मिनट, इसको आप म्यूट ना करो, जरा इसको म्यूट करो, माली से इसको बात म्यूट हो करो। रही है तो मैं उससे करूंगा। तुमसे हाँ तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। जिस मैं बंदे का दिमाग करूँ बात ना, छोटा मैंने हो इनसे कहा ना, गवर्नमेंट उससे खैर नहीं बात इनको नहीं हो म्यूट सकती। करे, मैं इनसे बात कर देते हैं अभी। एक सेकंड छुपा शायद हो ना, तुम उससे चुप किया बात नहीं हो करो। सकती भाई। आपको जो तकलीफ है ना वो तकलीफ आपको रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आपके रसूल की हकीकत। आपके जो रसूल है ना वो यही करवाते थे औरतों के रेप, ठीक है, गन पॉइंट पे रेप, तलवार की नोक पे औरतों के रेप आपके रसूल अल्लाह करवाते थे, ठीक है। इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो जाहिर बात है कि ये बेगैरती जो है इस्लामी बेगैरती है, ये शैतानियत जो है ना ये इस्लामियत है और ये वहां से आई है, ठीक है। तो आप शायद साहब चाहे मुझे जो मर्जी कहें आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते, मगर मैं जो सच बोलता हूँ ना वो आपके कानों में आग बन के उतर रहा है और आपका दिमाग आवाज उससे नहीं फट आ रहा है। रही। बिल्कुल हाँ, ना आए बेशक ना आए, जिन्होंने सुनना है उन्होंने सुन लिया। मैं इनको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। आप एक जरा ना एक चीज देखिएगा यहाँ पर गालिब जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ। जरा ये देखें, आप कभी निकले हो? आप कभी टोरंटो में आए हो? नहीं आए ना कभी। ये है टोरंटो के क्लब्स, यहाँ भीड़ देखो मानीजिए आप। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। नहीं अच्छा तो आप दोबारा से ज्वाइन आएगी, अब करें। अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी आवाज, मैं लीज अभी नहीं आएगी। आप दोबारा से आइए शाहिद जी, दोबारा से आइए। ये काफी लोगों ने ये बात की थी पाकिस्तान में, और ये कह रहे थे कि ये वहां पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। शाहिद जी आप दोबारा ज्वाइन करें कि ये वेस्ट में भी होता है। ये वेस्ट के क्लब्स हैं। मैं खुद क्लब्स में काम कर चुकी हूँ। मैं 10 साल मैंने क्लब्स में काम किया एज अ बार टेंडर और एज अ बॉटल सर्विस होस्ट। आई हैव वर्क इन द क्लब्स।
और मुझे आज तक कभी इतने सालों काम करने पे मुझे कभी नहीं किसी ने कहा कि किसी लड़की का रेप हो गया हो या किसी लड़की को हरास किया हो या कुछ किया हो। एक दफा मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोग एक क्लब में गए थे तो वहां पर ये श्रीलंकन लड़के थे जिन्होंने आके मुझे पीछे से हाथ लगा दिया था, तो मैं उस पर चढ़ गई थी उसको लेकर, तो वहां से बाउंसर्स ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया था। वहां पर भी गंद करने वाले देसी ही होते हैं। बाकी आप यहाँ देख लो, ये सारी पिक्चर्स देख सकते हो आप, ये देखो कितने लोग हैं, कितने चिपक चिपक के खड़े हुए हैं और अल्कोहल पी हुई है सबने, सबने अल्कोहल पी हुई है। यहाँ पर भी डेट रेप एक ड्रग आती है, वो लोग देते हैं, कभी कभार हो भी जाते हैं, मगर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और आपको मैं इसकी वजह बताऊं क्यों है, क्योंकि अगर आप क्लब में जा रहे हो, लड़कियों के कपड़े देखें, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे से कपड़े, ये पुराने वाले क्लब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे रेव्स होते हैं जहां पर इतने लोग, इतने हजारों की तादाद में कॉन्सर्ट्स में लोग होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी लड़की को उछाल उछाल के इस तरह से किया हो। या आपको कितनी मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ क्लब्स की, भरे पड़े हुए। मगर मगर अगर आप एक क्लब में जाते हो और एक लड़के को कोई लड़की पसंद आती है, वो उसके साथ डांस करना चाहता है, या लड़की को कोई लड़का पसंद आता है, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे डांस भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये कर रहे हैं ना डांस, और आप कहेंगे हाय देखो कितनी गंदी हरकत कर रहा है, कैसे उसके साथ डांस कर रहा है। वाइनिंग भी होती है, लोग वहां पे किसिंग भी करते हैं, लोग एक दूसरे को पिक करके जाके उसी रात एक दूसरे के साथ सेक्स भी करते हैं, दे हुक अप आल्सो। वहां पे लोगों के बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स भी बनते हैं, चंद लोगों की रिलेशनशिप्स भी बन जाती है, चंद लोग शादी भी कर लेते हैं। द थिंग इज कि ये थोड़े हुए नहीं है, दे आर नॉट थोड़े हुए पीपल, ये देख लो आप। तो ये जो आप लोग बार बार कहते हो ना कि वेस्ट में भी होता है, कहाँ हो रहा है मुझे दिखाओ ना, वेस्ट में कहाँ हो रहा है, देखिए आपने शायद जी, आपको दिखी ये तस्वीरें। अच्छा, और शायद साहब को मैं ये बता दूं कि मैंने जब कहा था ना कि पाकिस्तानी बड़े बेगैरत हैं, तो ये गाली मुझे भी लगती है, ठीक है। आप मैं आप अकेले पाकिस्तानी नहीं है ना, आपके पास ठेका है पाकिस्तान का, तो चले मैं अपनी जुबान बदल लेता हूँ, पाकिस्तानी बहुत ही बागैरत। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही जनाबे, मैंने आवाज नहीं आ रही, इनको म्यूट कर देंगे, यही करते रहेंगे, आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तानी बहुत बागैरत करके आए दोबारा से, आपका पाकिस्तानी बहुत बागैरत, बहुत ही बाजमीर, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे हैं ये कि कब्रों से औरतों को निकाल के उनके रेप करते हैं। अभी परसों ये वाकया हुआ है, 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, इतने बागैरत बाजमीर और बेहतरीन लोग हैं पाकिस्तानी के, उनका भी रेप होता है, 70 साल की बुढ़ी का भी रेप होता है। पाकिस्तानी बहुत ही बागैरत, बहुत बाजमीर, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि 6 साल की बच्ची, 6 माह की बच्ची, 60 साल की बूढ़ी, 70 साल की बूढ़ी, सबका बिला इम्तियाज रेप करते हैं। कोई औरत रक्षे में जा रही हो, पीछे से उसको उसको सीटियां बजाएंगे। अब जो आज वो वीडियो एक और भी आई है, मेरे ख्याल में महलीद शाह आपने दिखा दी होगी, जिसमें वो लड़की पीछे चिंगची में बैठी हुई है और एक शख्स ने जाके उसको उसको जाके उसका मुंह चूम लिया। हरासमेंट मतलब नहीं देखी वो वीडियो, इस लेवल की वो हरासमेंट है। वो वीडियो भी मैं देखता हूँ, एक सेकंड मुझे जी। अच्छा, ये आर एस गिल कह रहे हैं क्लब गर्ल्स भी लॉयर बन सकती हैं कनाडा में। क्लब गर्ल्स, मैं स्ट्रिपर्स को जानती हूँ यहाँ पर, स्ट्रिपर्स को जो 4-5 साल उन्होंने नंगा नाची है, वो स्ट्रिप क्लब में नाचती हैं, और उन लोगों ने अपने बिजनेसेस खोल लिए हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स बनी हुई हैं, लॉयर्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। तो ये बात कह देना कि ये नहीं है, पोर्न स्टार्स यहाँ पर हैं जो अपना पोर्न का वो छोड़कर अपना उन लोगों ने करियर बनाया हुआ है। व्हाई डू यू केयर कि कोई किस तरीके से अपना कमा रहा है, मर्जी से कर रही है ना कोई उससे कर, एज लॉन्ग एज किसी लड़की को फोर्स नहीं किया जा रहा है वो करने के लिए, अपनी मर्जी से कर रही है तो वो उसकी मर्जी है यहाँ पर, और ये चीजें लीगल हैं। ये वीडियो पिछले साल बड़ी मशहूर हुई थी, ठीक है। ये वीडियो भी 14 अगस्त या 23 मार्च वाले दिन की ही है, ठीक है। तो आप इसको शेयर कर दें, प्ले कर दें, इसको लोग देख लें, बुरके वाली की कितनी इज्जत होती है ये भी देख लें, बापरदा हिजाब का निकल साथ क्या होता है। ये हिजाब वाली है ना, ये बापरदा है, पूरी इस्लामी खातून जिसके साथ देखे थे। तो देख लें, ये यहाँ भी यही होता है, यहाँ भी यही होता है, ये सब ये आपकी हिजाब वालियों के साथ भी यही होता है, और जो बाप बेपर्दा होती हैं उनके साथ भी यही कुछ होता है। तो भाई बता दो कि ये जिसके साथ पार्क में हुआ है 400 बंदे ने, और मैं तो कल का ये बात कर रहा हूँ,
कि अगर ये बंदे थोड़े कम होते ना, फर्ज करेंगे 400 के बजाय 20 होते, तो इस औरत का गैंगरेप भी होना था और इसका कत्ल भी होना था। ये हाँ। सिर्फ इतने ज्यादा थे कि वो कोई प्लानिंग वो कर ही नहीं सकते थे कोई उसके ऊपर। 20 बंदे होते ना, इस औरत का रेप भी हो जाना था और इसका मर्डर भी हो जाना था। 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक गैंग है जो निकला हुआ है और ये लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पर। ये दिस इज डिस्गस्टिंग। आई डोंट नो, ये भी 14 अगस्त की वीडियो है। अच्छा, आपने भेजी है मुझे? मैं ये नीचे मैंने शेयर की है, नीचे शेयर की है। आपको आवाज आ रही है? कोई गल नहीं, नशे ही ऐसा है ठोकी जो। ये देख जी, ओए कोई किसी बंदे में इतनी जुरत नहीं है। गैरत की बात करते हैं ना, बहुत बागैरत लोग हैं यार। इनके तो खून खोल गया इन लोगों का देख के, ये कि इनमें से किसी की भी ये जुरत नहीं हुई कि उस बंदे को बुराई कह दें, बल्कि हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं ये तो इस बात का तो नशा ही हो रहा है जो काम किया है उसको, उस बंदे की तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, तो वाकई जी बहुत बाज़मीर बाग़ैरत, ठीक है, बड़े सच्चे मुसलमान हैं ये सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, इनकी अगर आप इनको चेक करेंगे तो ये वाकई पक्के मुसलमान हैं। कलमा गो इनमें से जिसने चुमी लिया जाके शायद वो हाफ़िज़ कुरान होगा। ठीक है, क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा पाकबाज़ सबसे अच्छा लग रहा है। तो अब पता नहीं है कि उसने कौन सी सुन्नत के तहत जाके इस तरह खातून को, खातून का मुंह चूम लिया जाके। ठीक है, ये खातून कोई कनाडा के स्ट्रिप क्लब में तो नहीं डांस कर रही थी ना? मिस आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, फिर आप रहने ही दो, आज आपका चीज है, आपकी चल नहीं रही है, आवाज नहीं आ रही है आपको, तो सच सुनाई नहीं देगा इनको, सच भी सुनाई देगा।